the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again hello everyone namaskar am dr Paramjeet and today we're going to talk about domestic violence so article news maybe बहुत देख रहे हैं he topic pe bhajh charcha hooray hollywood ke actors ko leke. एंड आप समझते हैं मेरा इशारा तो मैं उस सिलसिले में आपसे बात नहीं करूंगा मैं बात करूंगा ये क्या चीज़ है डोमेस्टिक वायलेंस और क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा तो नहीं हो रहा तो आप कैसे पहचाने क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस ये वो चीज़ है जब एक पर्सन को कोई अब्यूजिव बिहेवियर या कोई पार्टनर उसका शादीशुदा जिंदगी में पार्टनर या कोई और फैमिली मेम्बर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि मेरे हिसाब से करो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो इंडिया में यह अति कॉमन है अति अति मतलब कॉमन है और पहले जमाने में तो बहुत ही कॉमन था डोमेस्टिक वायलेंस अब फिर भी कम हो गया है बट बहुत कॉमन है अब यह कॉमन वायलेंस जरूरी नहीं है कि फिजिकल ही हो ठीक है ये इमोशनल वायलेंस भी हो सकता है इकोनॉमिक या सेक्शुअल वायलेंस भी हो सकता है जी हाँ यही बात आज आपसे बतानी है कि इट्स नॉट जस्ट फिजिकल ठीक है एंड ये किसी भी उम्र किसी भी सेक्स किसी भी कल्चर किसी भी क्लास गरीब से गरीब अमीर से अमीर को हो सकता है ठीक है अगर ये किसी बच्चे के साथ होता है तो इसे हम चाइल्ड अब्यूज कहते हैं और किसी के भी साथ हो डोमेस्टिक वायलेंस इज अ क्राइम पहली साफ साफ शब्दों में समझ लीजिए क्या क्या प्रकार हैं फिजिकल वायलेंस जिसके वजह से किसी इंसान को चोट लग सकती है ब्रूजेस हो सकते हैं फ्रैक्चर हो सकता है हड्डियां तक टूट सकती हैं मतलब मारना पीटना सेक्शुअल वायलेंस या कोई सेक्शुअल असोल्ट जबरदस्ती करना बिना मर्जी के शादी के बाद भी जबरदस्ती करना सेक्शुअल वायलेंस में आता है इमोशनल वायलेंस इमोशनल अब्यूज मतलब किसी को गलत नाम से पुकारना थ्रेट्स धमकी देना या नीचे दिखाना ह्यूमिलिएट करना बार बार कंट्रोल करने की कोशिश करना राइट right? उन्हीं को बताना कि ऐसे ही कपड़े पहनने हैं ऐसे बर्ताव करना है उन्हें अपने परिवार से अपने फ्रेंड से मिलने ना देना ये इमोशनल अब्यूज इमोशनल वॉयलेंस है इकोनॉमिक अब्यूज कंट्रोलिंग द मनी किसी को एक ही इंसान के हाथ में अगर सारा पैसा होता है कंट्रोलिंग द एक्सेस टू मनी इज ऑल्सो इकोनॉमिक अब्यूज एंड स्टॉकिंग ज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगर रिपीटेडली कर रहे हैं किसी का पीछा करना अनवॉन्टेड उससे कॉन्टैक्ट करना दैट कॉजेज फियर डराना या उसको डर महसूस हो रहा है अगर आपसे और कंसर्न महसूस हो रहा है सेफ्टी का तो फिर वो स्टॉकिंग भी वायलेंस में आता है यानी कॉन्स्टेंटली वॉच करना भी चलेगा पीछा करना वो भी गड़बड़ है अनवांटेड फोन कॉल्स टेक्स्ट मैसेजेस रिपीटेड टेक्स्ट मैसेजेस ये भी डोमेस्टिक या वायलेंस में आता है एंड दैट इज आल्सो स्टॉकिंग इज आल्सो अ क्राइम ठीक है सो हु इज अफेक्टेड बाय डोमेस्टिक वायलेंस इट इज वेरी हार्ड टू एग्जैक्टली नो कि कितना कॉमन होता है डोमेस्टिक वायलेंस बिकॉज ज्यादातर लोग बोलते नहीं ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि यार मेरे साथ कुछ हो भी रहा है गलत हो रहा है ऐसे ही होता है मतलब ऐसे ही होता है सबके साथ होता है हमारे साथ भी होता है ऐसे नहीं दैट इज रॉन्ग

इनफैक्ट हर लेवल ऑफ इनकम हर लेवल ऑफ एजुकेशन को इफेक्ट करता है डर अनपढ़ है या पढ़े लिखे हैं कितने बड़े स्कॉलर है आपके जो पहचान वाले आपके दोस्त हैं उनके साइंस होते हैं उनके लवन है उनके कुछ ना कुछ साइंस होते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ है तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही है सो हाउ कैन यू कैन यू कैन वट आर द साइंस अनएक्सप्लेन चोट अगर उनको लगी हुई है कोई चोट लगी है कोई आंख के नीचे है कोई कट है कोई ब्रूज है और वो कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है बार बार हो रहा है अपने परिवार वालों से नहीं मिलना कोई ऐसी काम नहीं करना जो उनकी फेवरेट एक्टिविटी है फैमिली फ्रेंड से नहीं मिलना अपने पार्टनर के बिहेवियर के लिए कोई एक्सक्यूज बनाना बार बार या अनकंफर्टेबल लगना भर भी या अफ्रेड फियरफुल लगना भर भी पार्टनर के अराउंड ये साइंस हो सकते हैं दैट डज नॉट मीन की दैट्स एक्चुअली हैपनिंग दैट माइट बी अ साइन जिसमें आपको और ज़्यादा आपका फ्रेंड जो है कभी कभी ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का कि बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है उनका मजाक उड़ा रहा है उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या आ, बार बार उनके काम पे यू नो चेक कर रहे हैं शक कर रहे हैं राइट फोर्स कर रहे हैं उनको कोई सेक्शुअल ऐसी चीज करने जो नहीं करना चाहते राइट थ्रेटन कर रहे हैं कि अपने आप को हार्म कर लेंगे या उनको हार्म कर देंगे को छोड़ना आसान नहीं होता अवल तो इंसान उसमें घुसता मुश्किल से घुस गया उतने अब्यूज लेवल तक पहुंच गए कि आप अब्यूज हो रहे हैं तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है कई बार आप डरते हैं कि वो खुद को हार्म कर देगा कई बार आपको डर लगता है हमें हार्म कर देगा हमारे परिवारजनों को हार्म कर देगा कई बार कुछ 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 होता है कई बार फाइनेंशियल कई बार इमोशनल कई बार कई सारी चीजें होती हैं जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है और हर चीज में आपको सपोर्ट की जरूरत हो सकती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट योर फॉल्ट राइट यू नॉट स्टॉप इफ नो यू कै नॉट स्टॉप योर पार्टनर अब यूज तभी हो रहा है बट यू कैन फाइंड वेज टू गेट हेल्प ये इंपॉर्टेंट आजकल के फॉरवर्ड जमाने में कोई कोई लोग खुद अपने आप को संभाल सकते हैं और वो स्टार्टिंग में ही इंसान को झड़का देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा वैसा नहीं चलेगा एंड इफ दे डोंट लिसन दे ब्रेक ऑफ वो अलग हो जाते हैं शादी टूट जाती है या दोस्ती टूट जाती है या सगाई टूट जाती है वो ठीक है एट द एंड ऑफ द डे उस अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप में ज़्यादा दिन रहने का क्या फ़ायदा अनलेस अनलेसन द पार्टीज आर अंडरस्टैंडिंग टू इच अदर ठीक है सो so क्या समझना आपके लिए जरूरी है आपके लिए समझना ज़रूरी है कि अगर आप किसी इमीजिएट डेंजर में नहीं हैं कोई एमिनेंट डेंजर है तो नहीं आपको फिजिकल वायलेंस का फिजिकल जान को खतरा टाइप कोई सीरियस इंजरी थ्रेट ऐसा कुछ आपको अगर आपको डेंजर नहीं है तो एविडेंस इकट्ठा करके रखिए कोई भी अब्यूज़ है कोई फोटो है कोई रिकॉर्डिंग है कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है कोई चोट है चोट लगी फोटो कोई थ्रेटनिंग टेस्ट है टेक्स्ट है ईमेल है उसकी कॉपी बना के रखिए उसको सेफ प्लेस पे रखिए ताकि आपके जो अब्यूजर हैं वो उसे एक्सेस ना कर पाए आपके पास लंबे समय में सबूत हो एंड देन यू टॉक टू समबडी यू ट्रस्ट आपके फैमिली मेम्बर आपका फ्रेंड आपके कोई को वर्कर है कोई आपका किसी पर ट्रस्ट करते हो ड मैटर इफ दैट इज अ कोई स्पिरिचुअल लीडर क्यों ना हो ठीक है कोई काउंसिलर क्यों ना हो एंड कंसिडर फिर उसके बाद यू कैन देन ट्राई टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ बाय कॉलिंग दी अथॉरिटीज कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना है कोई पुलिस केस करना है वो आपकी मर्जी है हाउ टू गेट हेल्प यू हैव टू हैव टू हैव टू प्रायोरिटी है टू टेल समा पड़ेगा किसी के सामने दिल की बात रखनी पड़ेगी राइट यू हैव टू टेल समी एंड देन यू हैव टू मेक अ सेफ्टी प्लान दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कभी कोई बात हाथ से निकल जाती है कभी कोई सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल हो जाती है वॉयेंट हो जाती है तो आप अगर कभी आपको वहां से निकलना पड़ता है घर छोड़ना पड़ता है तो आप कहाँ जाओगे किसके पास जाओगे आपके पास आपके कैश है क्रेडिट कार्ड है आपके पेपर है आपका लाइसेंस है आपकी सामान है कि नहीं आपके कागजात यहाँ तक कि आप अपने एक फ्रेंड या एक फैमिली मेम्बर कोई के पास जाके एक अपना सूट पैक करके रख सकते हो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा सेफ्टी फर्स्ट सेफ्टी प्लान फर्स्ट ठीक है एंड देन यू हैव टू कॉल फॉर हेल्प अगर आपको कभी भी कोई भी डेंजर लगता है यू कैन कॉल योर लोकल पुलिस आप अपने मेडिकल केयर के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं मर्जी रूम इमरजेंसी रूम जा सकते हैं एंड यू कैन कॉल द पुलिस और इसमें अगर आपको डेंजर लग रहा है आपकी जान को या आपकी फिजिकल हेल्थ को या इवन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया इन यू यू कैन यू शुड नॉट हैजीटेट टू कॉल द पुलिस उनका ये भी काम है वो इस चीज़ को सेटल करेंगे आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए सो यू कैन कॉल सौ नंबर पे नाइन वन वन बाहर के हैं तो एंड देन वॉच फॉर साइंस ऑफ अब्यूज टू अदर्स अगर कोई लव्ड वन है कोई दोस्त है कोई पहचान वाला है कोई भाई बहन है जो इसमें सो यू कैन कॉल यू नो अगर कोई इमीजिएट डेंजर है तो आप अपने तरफ से आप हेल्प को कॉल कर सकते हैं आप साइंस देख सकते हैं उनके लिए लोकल रिसोर्सेज को पहचान सकते हैं कि हाँ भाई कुछ जरूरत पड़ी तो आसपास कौन है जो मदद हाँ करेगा उस शहर में उस कंट्री में आप एक टाइम सेट कर सकते हैं वहां पर उस कंट्री में जो हेल्प है कोई साइकोलॉजिस्ट है कोई काउंसलर है कोई पुलिस स्टेशन है कोई कोई पार्टी है जहां पर आप हेल्प मांग सकते हैं वहां जाके आप हेल्प मांगे ठीक है सो दैट यू कैन गेट सम हेल्प इन दैट ट्रिकी सिचुएशन एंड वेन आप आप हेल्प करते हैं किसी की अगर आप किसी की हेल्प करते हैं सो so उनको बोलना पड़ेगा आपको कि भाई आपको क्या दिख रहा है वाई आर यू वरीड अबाउट ऐसी कौन सा बिहेवियर ऐसा कौन सा पॉइंट ऐसा कौन सा साइन आपने देखा जो नॉर्मली आप नहीं देखते दूसरे में उनके केस में क्या हो गया है और फिर उनके साथ उनकी सेफ्टी के बारे में आप बात करें कई लोगों के दिमाग में ही नहीं आता अपनी सेफ्टी के बारे में एटलीस्ट यू कैन पुट थिंग्स इन टू देर माइंड एटलीस्ट यू कैन हेल्प देर डिवाइस की वो अपना प्लान कैसे बनाए सेफ्टी का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी पेशेंट एंड पेशेंट मतलब उनका बात सुने जज नहीं करना है अरे तूने पहले ही कर देना चाहिए था ऐसे अरे तू तो पहले कर लेते पहले रोक देती तो बात ही नहीं थी पहले कर अरे वो जजिंग नहीं करनी उस समय और एल्स दे विल नॉट शेयर दी एंटायर थिंग पीपल आर समटाइम्स अफ्रेड अशेम्ड की हाउ एम आई नॉट एबल टू यू नो डिफेंड माई सेल्फ कई बार दे आर नॉट एबल टू से दैट दैट बिकॉज ऑफ कि कुछ नहीं कर पा रही कुछ नहीं कर पा रहा कभी दिस कैन हैपन सो यू हैव टू टॉक टू देम एंड लिसन टू देम देम विदाउट जजिंग लेट टॉक मेक देम टॉक सो प्लीज 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 इस वीडियो को शेयर करें डोमेस्टिक वायलेंस इज अज इशू इन इंडिया स्टिल गोइंग ऑन इन सम समे ऑर अदर और आई होप आगे की जनरेशन इस चीज से ना गुजरे तो ऐसी चीज के बारे में जानकारी आप सभी को होनी चाहिए तो प्लीज शेयर दिस वीडियो Like and share, subscribe, and I hope uh, everybody can have a good, healthy relationship and they can avoid any kind of emotional or physical violence. Thank you so much. This is Dr. Paramjeet. Stay connected, stay healthy.